समाजवादी पार्टी में किसी का भी टिकट पक्का नहीं है, परेशान सब हैं। जिसे मिल चुका है वो भी, और जिसे नहीं मिला वो भी। पता नहीं कब चाचा आए और टिकट पर चाकू चला दें। अब तो आजम खान ने भी कह दिया है, टिकट मिला है पर्चा नहीं भरा, कभी भी टिकट काटा जा सकता है। सपा में किसी का टिकट पक्का नहीं, ना जाने कब लटक जाए टिकट पर तलवार। जिसको टिकट मिला वो परेशान, जिसको ना मिला वो भी परेशान। सपा में इन दिनों हेर फेर का बड़ा खेल चल रहा है। जिसको टिकट नहीं मिला वो तो परेशान है ही, जिसको टिकट मिल चुका है वो ज्यादा परेशान है। ना जाने कब टिकट कट जाए, अदला बदली काटने जोड़ने का खेल चल रहा है। पाले बाजी ने कईयों के करियर पर पलीता लगा दिया, शिवपाल फॉर्म में है। लोग समझ नहीं पा रहे कि अगली बारी किसकी है। अब टिकट पाए लोग प्रचार में भी डर रहे हैं, पता नहीं कब टिकट कट जाए। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट देने की बात पर आजम खान ने कुछ ऐसा ही बयान दिया। सर, एक तरफ तो अखिलेश जी कह रहे हैं बाहुबली नेता को टिकट नहीं जाएगा, लेकिन अतीक अहमद को टिकट दिया गया, इस बारे में आपको क्या कहना है? सर, एक तरफ तो अखिलेश जी कह रहे हैं बाहुबली नेता को टिकट नहीं जाएगा, लेकिन अतीक अहमद को टिकट दिया गया, इस बारे में आपको क्या कहना है? दरअसल कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। अखिलेश पहले ही बाहुबलियों को टिकट देने के खिलाफ है, लेकिन चाचा के हाथ में अभी संगठन की ताकत है। लेकिन इससे पहले राम गोपाल बाहुबलियों को टिकट देने का समर्थन कर चुके हैं। बाहुबलियों को सारे देश में टिकट लोग देते हैं। आप लोग वोट देके उन्हें जिता भी देते हो और आलोचना भी करते हो। लेकिन आजम के बयान और हालिया घटनाक्रम ने सपा प्रत्याशियों के पेशानी पर बल डाल दिया है। न जाने कब साइकिल से उतार कर पैदल कर दिया जाए, यानी टिकट मिलना और ना मिलना बराबर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।